आदाब, तीखी बात लेकर मैं हाजिर हूं सैयद जुनैद हाशमी। जम्मू कश्मीर न्यूज पॉइंट के फेसबुक पेज पर तीखी बात हमने आज से शुरू कर दी है। अब तीखी बात में बहुत सारी बातें तीखी होंगी और उम्मीद करता हूं कि अच्छी लगेंगी आपको। आज कल जम्मू यूनिवर्सिटी में धमाल चौकड़ी मची हुई है स्टूडेंट्स और प्रशासन के बीच में। आप जानते हैं कि लगातार स्टूडेंट्स और प्रशासन के बीच में झड़पें जम्मू यूनिवर्सिटी के इतिहास का एक हिस्सा रही हैं। ये आज की बात नहीं है। जम्मू यूनिवर्सिटी के इतिहास की तरह इतिहास के पन्नों को जब हम पलटते हैं तो हमको पता चलता है कि प्रशासन और स्टूडेंट्स के बीच में खींचतान चलती रही है। कहीं ना कहीं इसके पीछे फैकल्टी मेंबर्स भी रहते हैं। फैकल्टी मेंबर्स का भी एक बड़ा अच्छा खासा योगदान रहता है इस सारी खींचतान में। लेकिन अभी की खींचतान कहाँ शुरू हुई? बात शुरू हुई थी खाने को लेकर। खाने को लेकर बातें पहुंच गई डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर के दफ्तर तक। दफ्तर के सारे शीशे स्टूडेंट्स ने तोड़ दिए। डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर का मन किया, उनने भी लाठी चला दी। डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर ने लाठी चलाई, स्टूडेंट्स ने डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर का दफ्तर तोड़ दिया। वाइस चांसलर साहब तक खबर पहुंची। वाइस चांसलर साहब ने खबर सुनने के बाद स्टूडेंट्स से बातचीत करना ठीक नहीं समझा, क्योंकि जब से वाइस चांसलर प्रोफेसर आरडी शर्मा कुर्सी पर बैठे हैं वो जानते हैं बहुत ईमानदार शख्स हैं। अपनी ऑनेस्टी इंटेग्रिटी पर उनको फ़ख्र है, नाज है, ये तमाम बातें हैं। इसलिए उनने बच्चों से बात करना ठीक नहीं समझा। इससे पहले क्लरिकल स्टाफ के साथ उनका झगड़ा हुआ, उनने उनसे भी बात नहीं करी। और भी बहुत कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में होता रहा। पहले नहीं माना, बाद में मान गए। और भी कुछ खबरें आ रही हैं कि कुछ अफसरों के रिश्तेदार जो हैं उन्होंने बदरवा कैंपस में एडजस्ट किए हैं, ऐसा भी कोई समाचार जो है वो फैलाया जा रहा है। हकीकत क्या है, फसाना क्या है, वो तो वाइस चांसलर साहब जाने। बट अभी जो वहाँ पर धमाल चौकड़ी मची हुई है, तीखी बात उसमें क्या है? तीखी बात उसमें ये है कि ना वाइस चांसलर साहब स्टूडेंट्स की सुनना चाहते हैं, ना स्टूडेंट्स वाइस चांसलर साहब को सुनाने के मूड में नज़र आ रहे हैं, और ना ही वाइस चांसलर साहब डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर को हटाकर दूसरा डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर लगाना चाहते। तीखी बात यही है। ये इसलिए भी तीखी है क्योंकि डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर को हटाते अगर हैं वाइस चांसलर साहब, तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स की पहली एक डिमांड पर वो ऑलरेडी डायरेक्टर फिजिकल स्पोर्ट्स को, डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन को हटा चुके हैं। स्टूडेंट्स की ही डिमांड पर अगर एक और विकेट गिर गया तो जाहिर सी बात है वाइस चांसलर साहब की कुर्सी पर सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। मगर समाचार सुनने में ये भी आ रहा है कि वाइस चांसलर साहब को 2 साल की एक्सटेंशन जो है वो दी जा रही है। चलिए वाइस चांसलर साहब को एक्सटेंशन मिले ना मिले, धमाल चौकड़ी चल रही है। मीडिया का भी जमावड़ा जो है वो वहीं जम्मू यूनिवर्सिटी के आसपास रहता है। आज की पहली तीखी बात ये है। दूसरी तरफ आप लोग जैसा कि जानते ही हैं, जिस तरीके से आप लोगों को मालूम भी है कि रियासत जम्मू कश्मीर जिन हालात से दो चार है, आतंकवाद है, पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ का मामला सामने आया, 4 आतंकवादी जो हैं वो सुंदरबनी में मारे गए। लेकिन इसमें तीखी बात ये है कि आतंकवाद अभी तक घाटी में ही था, लेकिन अब घाटी से आतंकवाद आहिस्ता आहिस्ता जो है जम्मू की ओर आ रहा है। और आप जानते हैं ऑलरेडी प्रशासन यहाँ पर और बहुत सारे मसलों के कारण परेशान है, चाहे ड्रग एडिक्शन का मामला हो वो एक परेशानी है, उसके अलावा बढ़ती हुई फिरकावारियत जिसकी बात बार बार करी जाती है कि जिस तरीके से क्रीपिंग फंडामेंटलिज्म की बात करी जा रही है कि फंडामेंटलिज्म क्रीप कर रहा है, सख्तगीर लोग हो रहे हैं और ज़्यादा धार्मिक लोग हो रहे हैं, वो भी एक परेशानी जम्मू रीजन में। उसके बीच में अब ये बंदूक जो सुंदरबनी पहुंच गई है, उससे पहले आपने देखा कि एक आतंकवादी हमला जो है सुंजवा कैंटोनमेंट पर भी हुआ। तो ये सब चीज़ें दर्शाती हैं। तीखी बात इसके बीच में ये है कि कहीं ना कहीं सरकार लैक्स है, कहीं ना कहीं सरकार थोड़ा हल्के से इस सिक्योरिटी थ्रेट को ले रही है। इस सुंदरबनी के एनकाउंटर के बाद सरकार को कमर कसनी पड़ेगी, पुलिस और प्रशासन को भी कमर कसनी पड़ेगी। वरना जैसा कि आप लोग जानते हैं, वरना खतरा ये है कि कहीं आतंकवाद का ये जहर अरिस्टाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा, रजौरी पुंछ के इन इलाकों में न फैल जाए, उसके नतायज बहुत खतरनाक निकलेंगे। और तीसरी और आखिरी तीखी बात ये है कि नौशेरा सुंदरबनी के MLA रविंदर रैना, इंटरनेशनल मसला हो उनको बात करनी है, दिल्ली की बात हो उनको बात करनी है, भारत पाकिस्तान का मसला हो रविंदर रैना को अपने विचार व्यक्त करने हैं, उसके अलावा आतंकवाद की बात हो रविंदर रैना को उस पर अपने विचार रखने हैं, सुंजवा कैंटोनमेंट पर अटैक होता है रविंदर रैना को वहां भी आना है और अपनी बात रखनी है, लेकिन अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रविंदर रैना नदारद है। MLA साहब, तीखी बात यह है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहिए, अपना काम कीजिए, जो कार्यभार भारतीय जनता पार्टी ने आपको सौंपा है उसको निभाइए,
छोड़ दीजिए, बाकी देश का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बढ़िया से कर रहे हैं, आपको वो काम करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज डील कर रही हैं पाकिस्तान के साथ, राजनाथ सिंह आतंकवाद से लड़ने में सक्षम है, उनको सबको सबका काम पता है, और जब ज़्यादा परेशानी होती है तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी, जनरल बिपिन रावत भी जानते हैं कि उनको क्या काम करना है। आपसे विनम्र विनती, तीखी बात ये कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जाएं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का ख्याल रखें और सरकार से डिस्ट्रिक्ट की डिमांड मनवाएं, वरना आप तो जानते हैं, जनता है ये सब जानती है। तो आज की तीखी बात में बस इतनी ही, यही तीन तीखी बातें, फिर हाजिर हूँगा एक और तीखी बात का अंक लेकर कल। दीजिए सैयद जुनैद हाशमी को सैयद बिलाल के साथ इस तीखी बात के पहले चैप्टर से इजाज़त।